बच्चा चोर का अफवाह बना जान का दुश्मन। आपको बता दें कि इन दिनों जिले में बच्चा चोर की अफवाह आग की तरफ फैलती नजर आ रही है, जिसका शिकार मानसिक विक्षिप्त लोग हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया से आया है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घरदान चौक के समीप एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बच्चा चोर कहकर खदेड़ कर पकड़ लिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उक्त व्यक्ति का वीडियो कुछ दिनों पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका मिलान कर बच्चा चोर कहा गया है। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को पकड़कर थाने लाई है और पूछताछ कर रही है। एक आदमी वहां पे बच्चा स्कूल के पास में जिम कर रहे थे, एक आदमी आया और बोला कि वहां से देखा लो बच्चा को, तो वहां से वो भागने लगा। तो आदमी दो आदमी उसको पकड़ के चिल्ला रहे कि पकड़ो पकड़ो। हम लोग यहाँ चौक पे उसको पकड़े, पकड़ने के बाद में उसको जब पूछताछ कर रहे थे तो बोला कि हम लोग 8 आदमी हैं और 2 जगह का एड्रेस बता रहा था और मेरे पास उसका वीडियो पहले से था। जब उसका सामान बरामद किए हैं तो उसमें बिस्कुट उस्कुट हावी जावी निकला है, कपड़ा लत्ता निकला है। तो हम सोचे हैं कि इनको थाना पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो उसके बाद में हम थाना पे इंफॉर्मेशन दिए, थाना आया है 112 नंबर। उसके बाद में उनको लेके गए हैं। क्या परिचय होगा? हमारा नाम तो नितेश पटेल हुआ। यह पूर्णतः अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चा चोरी की एक भी घटना नहीं दर्ज हुई है कहीं से। लोग सड़क पर चल रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को, भिखमंगा को टारगेट कर लेते हैं कि ये बच्चे हैं। वो संवेदना के पात्र हैं, उन पर हम लोगों को संवेदना दिखानी चाहिए। लेकिन लोग बच्चा चोर के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारने पीटने लगते हैं जगह जगह से। तो लोगों को हम यही संदेश देंगे कि आप लोग किसी अफवाह में न पड़े।